तुम ईद मुबारक। ये वो दिन है जिसका इंतजार बच्चे बूढ़े और जवान सब मिलके करते हैं। ईद का दिन खुशियों का दिन है और क्यों ना हो भाई, रमजान के 30 रोजे रखने के बाद ईद की खुशी का जो तोहफा हमें दिया जाता है वो सबसे बेहतरीन है। बचपन में ईद का अपना ही मजा हुआ करता था। आए हाय क्या मजा होता था, यानी कि सब मिलके ईदियां दिया करते थे, हम लोग ईदियां बटोरा करते थे और तो और स्कूल जाने का बड़ा शौक होता था। ईद के दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, पूरे साल यूनिफॉर्म पहनते थे ना, तो ईद के दिन घर के कपड़े तैयार, ये टीचरों से मिलना बहुत मजा आता था। अक्सर हम सोचते थे कि यार स्कूल की जो हमारी यानी क्लास फेलो रुखसार है वो भी हमें ईद मुबारक कहेगी, ईद कार्ड देगी, कार्ड पे दिल बना होगा, दिल के बीच में से तीर गुजर रहा होगा, नीचे दिया जल रहा होगा। ओए होए होए होए, वो स्कूल की मोहब्बत को प्यार कहां से लाए आज। अब तो इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं यार ईद पर, मतलब बहुत सारे मैसेज तो पढ़े भी नहीं जाते। व्हाट्सएप पे मैसेज, फेसबुक पे मैसेज, स्नैपचैट पे मैसेज, मैसेज मैसेज मैसेज, और करते क्या लोग, कोई दिल का उसमें कोई जज्बात का उसमें कोई ताल्लुक नहीं होता, बस कॉपी पेस्ट। मुझे उसने भेजा, मैंने उसको भेजा, उसने पहले होते थे, पहले जब ईद आती थी तो लोग मैसेज करते रात में। ओए होए, वो अक्सर एक मैसेज आता था ईद का कि जरूरी ऐलान सुनिए, जो लोग ईद का चांद देखने का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए जरूरी ऐलान, प्लीज घर में ही आराम करें, आज मेरा बाहर निकलने का कोई मूड नहीं है, फकत ईद का चांद वसीम। मैं कहता हूं इंसान कुत्ता पाल ले मगर गलत फहमी ना पाले। और ईद कार्ड के शेर कुछ यूं हुआ करते थे, तुम कितने जूते मारोगी, मैं सारे जूते खा लूंगा, मैं भी बहुत ढीठ हूं, ईद पे स्टॉल लगा लूंगा। ईद आई है जमाने में, फरीद गिर पड़ा गुसलखाने में। वो क्या था, ईद आई है अटक अटक के, शकीला चल रही है मटक मटक के। अच्छा एक तो बहुत ही हिट होता था, अक्सर कार्ड में आता था, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, हमारी जुलेखा लाखों में। लेकिन क्या जमाने होते थे, प्यार सच्चे होते थे, एक छत से दूसरी छत पे आंखों आंखों में इशारा, मोहब्बत आ। लेकिन आज कुछ नहीं, मैसेज कॉपी आज की चिट्ठी का वजन किलो के हिसाब में, क्योंकि आज OMG कार्ड। स्कूल में हमें याद है, हम अपनी टीचर्स को पोस्ट कार्ड लिख के दिया करते थे, आपका होनहार स्टूडेंट। यूं होनहार, अच्छा जी और क्या है, हैं लिफाफा, ईदी आ गई क्या, अबे ये तो खाली है। बराए मेहरबानी ईद के 10,000 रुपए इसमें डालकर किसी लेटर बॉक्स में डाल दें। क्या हो गया भाई, मतलब पूरे रमजान पैसे जमा किए, अब ईद में भी भेज दे तुम्हें। खत पढ़े खत, हाँ जी चश्मा उतार के पढ़े भाई, मेरी आंखों में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, भी ऐसी स्टाइल में पहना हुआ। बच्चे नहीं ईद के दिन चश्मा लगाते हैं, मैचिंग कपड़े पहनते हैं और वो लकड़ी की तलवार लेके घूम रहे होते हैं। मैं भी ऐसे ही रहा, आज तलवार नहीं है मेरी, और एक वो भी होता है ना वो धागा बंधा हुआ, डिग डिग चल रहे, डिग 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 डिग, बहुत सर में दर्द करता था वो। दोराजी वगैरह में तो ईद के दिन ऊंट और घोड़े भी आते हैं, वहां गाड़ी कर चलने की जगह नहीं है और ऊंट और घोड़े पे लोग घूम रहे हैं। ए वाह किलो लगवा। अच्छा जी आज की चिट्ठी लिखी है रिदा ने सियालकोट से, कहती है दानिश भाई सबसे पहले आपको ईद मुबारक, और भाई होने के नाते जो 10,000 रुपए कैश मुझे ईदी भिजवाई थी वो इस लिफाफे में डाल दें। अच्छा इतनी प्लानिंग चल रही है, पहले भाई बनाया और फिर 10,000 मांग रही हो, नजर आ रहे हैं क्या। अच्छा जी और क्या कहती हैं, हाँ और मसला ये है कि जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो मेरे माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं। सही है, पता नहीं तुम्हारी पसंद कैसी होगी। कहते हैं दानिश भाई उस लड़के में कोई बुराई नहीं है सिवाय उसके के उसकी एक आंख नहीं है। कोई बात नहीं, एक आंख कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, एक आंख नहीं हो तुम्हें एक आंख से देखेगा, और वो कानों से सही सुनाई नहीं देता। चलो कोई बात नहीं यार, तुम इतना बोलती रहोगी वो बेचारा सुनेगा ही नहीं, कोई बात नहीं।
और तो और बोलने में तुतलाता भी है। वे कुछ रह गया है या सारी बुराइयां इसमें? तुम ऐसा करो, सबसे पहले तुम अपना इलाज करो। लेकिन एक बात है, अगर आपको उससे मोहब्बत हो ही गई है तो अपने माँ बाप को एहसास दिलाओ, समझाओ, बताओ कि मोहब्बत अंधी होती है। अगर उनको यकीन आ गया तो तुम्हारी शादी यकीनन उससे कर देंगे। और ये जो 10,000 आपने ईदी के जो मुझसे मांग के मुझे तपाए ना शुरू में, बस मैं क्या बताऊं, OMG कार्ड लिखे जो खत तुझे, ये तेरी याद में हजारों रख के। ओके, ये है ईद मुबारक फॉर दानिश भाई फ्रॉम रिदा सियालकोट से। सिवाय सवैया पकी हैं, सबने चखी हैं, तुम ना रो मेरे दानिश भाई, तुम्हारे लिए खास तौर पे रखी हैं। वाह 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 वाह। गरम गरम रोटी खाई नहीं जाती, ईद दानिश भाई के बगैर मनाई नहीं जाती। आप लोगों को पता है दोस्तों ये सारी बातें क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि अभी तक मैंने 10,000 नहीं भेजे और ना ही इनको पता है कि मैं इस तरह की बात कर लूंगा लिफाफा देखते ही। अच्छा जी, अब पता नहीं क्या उनके तासुरात अगले खत में आए। फिलहाल हम चलते हैं आज के मेहमानों को बुलाने के लिए। ये वो मेहमान है दोनों के दोनों जिनको आप बहुत कम शोज में देखते हैं, यानी कि ये जो यूं शोज होते हैं ना उसमें ये बिल्कुल नहीं आते, ये खास वाले शोज में आते हैं और टैलेंट से भरपूर लोग हैं। मतलब आज के जो मेरे पहले मेहमान हैं, क्या तारुफ कराऊं, उनका तारुफ बहुत बड़ा है छोटी सी उम्र में, यकीन कीजिए। यानी कि उनका सबसे पहले बैंड EP उसमें वो लीड वोकल पे थे, उसके बाद वो डायरेक्शन भी दी उन्होंने, कॉमेडी भरपूर करते हैं और उनका वजूद इतना खूबसूरत है कि वो ना खुद खुश रहते हैं बल्कि अपने अतराफ के जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को ये बहुत खुश रखते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। बहुत अच्छा, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका घराना बहुत बड़ा होता है, उनके बड़े लोग बड़ा नाम कमा चुके होते हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली फेमस होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद अपने नाम के इतने बड़े हो चुके होते हैं कि उनको दूसरों के नाम की जरूरत नहीं पड़ती। द वन एंड ओनली, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है अहमद अली भट्ट। वेरी कैजुअल ईद, क्या सीन? क्योंकि वैसे इस दिन के बाद बंदा शलवार कमीज और वो सारा पहन के, और आपने रात को बुलाया तो मैंने कहा जरा लेट चिल आउट शो होगा। बिल्कुल सही है, हम लोग भी ऐसा करते हैं, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद कुर्ता उतार के फिर सो जाते हैं, शलवार पहन के। नहीं नहीं ऐसे भी सही है, नहीं मैं यही कह रहा हूँ, मैं शेरवानी लाया हूं। अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मतलब वो सारे दिन जितने भी हमने ईद के मॉर्निंग शोज वगैरह देखे उसमें सब भड़कीले कपड़े पहने हुए थे, तो ये जरा बॉयज के लिए जरा सूट करता है। अच्छा, जरा लेट बैक होना चाहिए और इस टाइम वैसे भी सारे लेट के टीवी देख रहे होंगे, एंजॉय करो, बिरयानी बिरयानी खा के फिर यहां तक आए हुए। एग्जैक्टली, मैंने कहा कि जरा लेट बैक ही होना चाहिए। मजा आ रहा है, ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? गुजर गया, थोड़ा सा फाइनेंशियली डाउन हो गया। क्या कह रहे हो, क्यों, व्हाई? शॉपिंग बेगम साहब बहुत कर रहे हैं, वो पहले ही हो जाता है, ऊपर से फिर बच्चे आते हैं और सारी, अब मुझे कोई ईदी नहीं देता। हाँ यार, ये बड़ा, तो आप दे रहे हैं? मैं दे दूंगा बिल्कुल, छुट्टी पे ईदी भी है, भाई ने बिल्कुल हिसाब पक्का कर दिया। ठीक है, आप बैठे, एक और हमारी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और मैं आपको क्या बताऊं उनके बारे में, मतलब नाम तक नहीं बताना जरूरी है। अच्छा, okay. इतनी प्यारी है, कम उम्र में इसे बड़े बड़े कैरेक्टर कर रही हैं। बड़ा क्लियोपेट्रा वाला सोफा है, लेट सकता बंदा अगर थका हुआ हो तो। इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े रोल कर दिए, मतलब डायलॉग तो ऐसे बोलते हैं जैसे गुलाब की पंखड़ियों में डायलॉग को लपेट के अदा किया जा रहा है। इतनी इंटेंस अदाकारी करती हैं कि आप हैरान हो जाएंगे उनको देख के। अच्छा, और मजे की बात यह कि एक्टिंग जितनों के साथ भी कर रही हैं सब अंकल की उम्र के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे ना इनको सीखने को भी मिल रहा है और साथ साथ गाइडेंस भी चल रही होती है बड़ों की। ये भी अच्छी बात। तो जनाब बुलाते हैं द वन एंड ओनली सारा खान। फैशन डिजाइनिंग पढ़ने के बाद खुद फैशन में इन है। हाँ, अब तो फिल्म मेकिंग पढ़नी है। अब फिल्म मेकिंग पढ़नी है, फिल्म मेकिंग बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, नहीं क्या ख्याल है? अच्छा, इनसे आपने ईद मुबारक कह दिया आपने, भाई को मेरे ईद मुबारक कहा? ईद मुबारक, ईदी देनी है अभी आप मुक चुके हैं, पहले आपने बताया। नहीं, मेरा अब हालत नहीं रही ईदी देने की, वो आपने देनी है। मैं हाँ, बस छुट्टी में सबको ईदी बांटेंगे। आपने ईदी देनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल ईदी देंगे भाई, ऑन कैमरा, 5 कैमरा के सामने वादा कर दिया। प्लीज बैठे में, थैंक यू, बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा जी, वैसे तो ईद है वो तो ठीक है, लेकिन अमूमन नॉर्मल रूटीन में सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं?
हाँ वही जो आप करते हैं. अच्छा वो नहीं, एक होता ना उठते ही मोबाइल देख लिया, मैसेजेस वैसेज पूरी रात के. मेरा बेडरूम का रूल है मेरी वाइफ का कि हम लोग बेडरूम में मोबाइल की इजाजत नहीं है. क्या कह रहे हैं बाकी? हाँ वैसे भी मैं रात को 10-11 बजे के बाद मोबाइल साइड पे ऑफ, ऑफ नहीं साइलेंट पे होता. तो मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि मोबाइल साथ लेके जाता हूँ. ओके अच्छा, तो वो एक वहाँ पे बिल्कुल भरपूर मोबाइल, मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट जगह होती है जहाँ पे आप मोबाइल को इत्मीनान से देख सकते हो और कोई डिस्टर्ब नहीं. हाँ वॉशरूम जहाँ पे मोबाइल वॉश होते हैं. थिंक टैंक भी कहते हैं, मर्दों का थिंक टैंक होता है वो, क्योंकि वो पूरा दिन का जो प्लान होता है वो सारा वहीं बैठ के बनता है. अच्छा इससे पैसे लेने हैं, इसके पास जाना है, इसको फोन करना है, तो सारा उधर ही. अच्छा अक्सर वॉशरूम में जब किसी कॉल आ जाए तो बंदा टॉवल ऑयल लपेट के फिर बात करता हूँ. हाँ यार कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ. अरे यार ये अच्छा, आप कभी फ्रेंड्स के साथ ईद कहीं डिनर पे गई हो, सारी दोस्तों उसके साथ हो, आपने पार्टी दी और पैसे ना हो, फिर कभी हुआ ऐसा? बहुत दफा हुआ है. नहीं हाँ फिर क्या किया? फ्रेंड्स को पैसे देने पड़ते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज पॉकेट मनी होती है और ईद पे ईदी जो मिलती है वो सारी मामा के पास चली जाती है. यू नो बाकी ऐसे बच्चे होते हैं अपनी ईदी मामा को दे देते हैं? नहीं होते हैं, लाओ मेरे पास रखवा दो, फिर वही ईदी बाकी खानदान के बच्चों में बट रही होती है. हमारे साथ तो कोई ऐसा सीन नहीं, ना ईदी मिलती है ना कहीं से, मतलब कुछ भी. लेकिन खवातीन का अलग हिसाब होता है उनके, क्योंकि महीने में 5 नए जोड़े बनने होते हैं, तो मामा फिर कहाँ से पैसे? यही है, तो वही पैसे फिर आप लोगों के. 5 आपने कम बोल दिया, ऐसे आजकल बहुत ज्यादा हो गया. अच्छा आदमी का क्या है, पुरानी जीन्स है वही, एक शर्ट बदल बदल के चल रहा है, जूता है. 5-6 साल जीन्स आराम से निकालती है लड़कियों को, देखे ना जूते से माशाल्लाह मैचिंग भी शुरू होती है. मगर आई थिंक खवातीन को कंपेयर भी बहुत ज्यादा किया जाता है, मर्दों को इतना कंपेयर नहीं किया जाता. मर्दों की दौलत चेक की जाती है और खवातीन लड़कियों का नहीं, हुस्न देखा जाता है. बिल्कुल तो ये सीन है, सही कह रहे हैं हम लोग? बिल्कुल आप इससे इत्तेफाक कर रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम अपने गेम को और अपने शो को आगे बढ़ाएंगे. सॉरी अपने शो को आगे बढ़ाएंगे और बाद में बहुत सारे गेम है, आप लोग कहीं मत जाइएगा. बस कर दो बस रिटर्न्स पावर्ड बाय पेप्सी में मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक एवरीबॉडी टू द शो जिसका नाम है बस कर दो बस रिटर्न्स पावर्ड बाय पेप्सी. बस कर दो बस क्यों है नाम? बस कर दो बस यानी कि बहुत चीजें बहुत हो जाती हैं तो हम कहते हैं बस कर दो बस, इसलिए इसमें कुछ इस तरह होने वाला? नहीं नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बस ये नाम है. पूरे मुल्क में हमारे लोग जरा सा हर चीज में 2-4 कदम आगे हैं तो हम कहते हैं बस कर दो बस. ठीक है बच्चे से लेके बूढ़ा जवान सब. ऐसा था कि शायद तू इतनी ज्यादा लोगों को तंग करता होगा कि उन्होंने कहा होगा बस कर दो बस. अच्छा जी सर आपने मतलब अभी जो आप प्लेस कर रही हैं, जो सीरियल्स कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें इतने संजीदा इतने पक्के कैरेक्टर कर रही हैं, कैसे हो जाता है यार आपसे? पता नहीं, जबकि मेरा लाइफ का कोई ऐसा सीरियस एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मैं जिससे कहूँ कि यू नो शादीशुदा 4 बच्चे मेरे बना देते हैं, लेकिन मुझे मजा आता है करने में, एक्टिंग करने में मजा आता है. हाँ तो आपको पहले से स्क्रिप्ट देते हैं पूरा पढ़ लेते हैं या फिर कोई खास ट्यूशन लेती हैं आप एक्टिंग करने से पहले, या ये कैसे तारी करती हो जिस चीज से आप गुजरी नहीं हो, जो एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी वो परफॉर्मेंस हो रही है? क्योंकि ऑब्वियसली आपने लाइफ में चीजें देखी हुई होती हैं, आपको पता होता है कि कौन किस तरह है, तो कोई स्क्रिप्ट पढ़ लेती हूँ पहले से और काफी पहले से पढ़ लेती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मुझे क्या करना. जब मैं जाती हूँ मैं मेंटली प्रिपेयर होकर जाती हूँ कि मुझे ये करना है. वेरी गुड जबरदस्त. और अहमद भाई क्या? मैं यार वैसे मुझे एनवायरनमेंट बड़ी मजेदार लगी. अच्छा बड़ा लेट बैक सीन है, कूल सा ना जरा. अच्छा ज्यादा हार्ड भी नहीं हमारे सवालात और गेम भी मजे के. अभी तक कोई सवाल हुआ नहीं, अभी तो होने वाला है. अच्छा मुझे बताएं कि ये मतलब बैंड सॉन्ग्स डायरेक्शन और अब एक्टिंग प्लस होस्टिंग, माशाल्लाह 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 आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब आप बहुत कहना चाह रहे हैं. नहीं नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट कौन सा लगता है आपको, छोड़ना भी नहीं चाहिए यार जो जो आता है कर लो. मेरा एक हैंड इन हैंड वाला हिसाब है. म्यूजिक इसलिए आजकल छोड़ा हुआ है बिकॉज म्यूजिक का उस तरह स्कोप नहीं है जो पहले आज से 10 साल पहले होता था वो सारा कुछ. मगर आई लव होस्टिंग, मुझे बहुत मजा आता है. थिएटर से सारी बैकग्राउंड है तो सीखा भी वहीं से,
So hosting is the closest thing to theater that you can do. वो मुझे I really enjoy doing that. Hosting, you enjoy hosting. अच्छा. Drama में वैसे भी बहुत लंबा time लगता है. 12 घंटे. Drama में हाँ मेरे से मेरे temperament नहीं है drama का कि 30 दिन आप एक ही slow motion. No offense to the present company. I think they do a wonderful job. मगर वो होता है ना मेरा और आपकी जिस तरह हम लोगों की कहते tempo ही बहुत तेज होती है. सही. तब उसके अंदर वो चाय कहाँ वो नहीं मेरे साथ आजकल ड्रामों में खामखा संजीदापन भी डाला हुआ है ना खास तौर पे घर में नॉर्मल बात हो ही नहीं रही किसी की मतलब आई एम श्योर इनके साथ हुआ होगा कि जब कास्ट कर रहे होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि आप रोती कैसे हैं रो के दिखाएं तो मतलब मैं मतलब माशाल्लाह अल्लाह ने इतना हुसन दिया हुआ है हमारी कहते पाकिस्तान की ख्वातीन को और जो चैनल लगाए वो रो रही होती हैं सब रो रही हैं और पता नहीं ड्रामों की सबसे अच्छी बात होती है मोबाइल किसी के हाथ में नहीं होता असल में आप पता है मोबाइल के बगैर कोई नहीं लेकिन अब एक्चुअली मोबाइल ड्रामों में भी होता है अक्सर सीन्स होते हैं कि आप मोबाइल डायरेक्टर कैमरा पैन करेंगे आपके मोबाइल से और वो कोई व्हाट्सएप पे वीडियो देख रहा है अच्छा हम एक गेम खेलने लगे हैं इस गेम का नाम है झूठ बोले कौवा काटे ये हमारा एक प्यारा सा कौवा बैठा हुआ है आप देख रहे हैं कश्मीर की वादियों से हम इसको लेके आए और ये आप कोई भी एक ऐसा कोई बात करेंगे जो हमारे कव्वे को झूठी लगेगी ना वो कव्वे का नाम क्या कव्वे का नाम क्या भाई कह रहा काए काए नाम प्यार से तो सिर्फ काए बुलाते हैं अच्छा जी तो आप रेडी हैं रेडी या पहले अहमद आप खेलेंगे कौन खेलेगा लेडीज फर्स्ट जी सारा आपको कोई एतराज नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं क्या ये सच है कि आप अभी तक कार्टून देखती हैं सच सच ओके हमने सुना है कि आपको बॉलीवुड से ऑफर आई है सच सच क्या कह रहा है ये मान नहीं रहा कह रहा झूठ है ये वाकई आ गई है नहीं वाकई आई है हाँ अहमद भाई ये सबको आ रही है ऑफर मर्दों को क्यों नहीं आ रही यार मेरे को मुंह नहीं लगाता मेरे ख्याल हम डायरेक्ट अंग्रेजी फिल्मों में अच्छा जी क्या ये सच है कि आप ड्रामे की शूट पे चार चार घंटे लेट आती हैं झूठ ये सच नहीं है ये झूठ है क्या ये सच है कि आपको ताहिर शाह जैसे बाल रखने की ख्वाहिश है वो कर ली सच सच क्योंकि उनके बाल इतने घने और अच्छे हैं कि वो हर औरत को चाहिए हर औरत को ऐसे उनका मुंह भी उनके बालों की तरह घना हो गया काफी घना मुंह घने बाल बहुत प्यारे इंसान है मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई जैसी होगी तो शायद इरादा चेंज कर क्या ये सच है कि आप ईदी देती नहीं सिर्फ लेती हैं सच सच ईदी नहीं देती अभी तक छोटे भाई बहन कोई छोटा है ही नहीं वो आपकी बहन है नूर हाँ अच्छा वो एक साल बड़ी है सिवाय नूर के किसी और को नहीं देती अच्छा ये भी वो भी जबरदस्ती लेती है मैंने कहा पहले सोच रहा है आपके भाई बहन हैं भी क्या हाँ पहले ये सोच उन्होंने रिमाइंड आपको किया क्या नूर को भूल चुकी थी नहीं शोबिज में होता है अक्सर नूर को मैं देती नहीं वो मुझे ले ले अच्छा थोड़ी मतलब मैं चाहती नहीं चाहती नहीं आप उसको इतनी देती हमने सुना है कि आप हर दूसरे दिन शॉपिंग पे जाती हैं झूठ मुखे चंगी तरह सुझाने मेरा बस चलता तो यही होता बट ऐसा है नहीं कब कबे ने आपको कल संडे मार्केट में देखा अच्छा जी हमने सुना है कि आपकी दिली ख्वाहिश है इमरान हाशमी के साथ मूवी करने की झूठ 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 पहले छोटी काम की कौवे को मुझसे कोई प्रॉब्लम है ये कौवा एक्चुअली एक प्रोड्यूसर है ये सेट का प्रोड्यूसर कौवा ही है अच्छा जी तो तकरीबन आपने सही जवाब दिए कम ऑन अब हमारे प्यारे दोस्त अहमद अली भट्ट की बारी यार मैं कौवे को अभी से वॉर्न कर दूं कि अगर मेरे किसी भी जवाब के ऊपर कांका हुई तो अगले रमजान की इफ्तारी में आपको मैं खाऊंगा कौवा बिरयानी कौवा बिरयानी चैलेंज चैलेंज सुना है कि आप रोज बट की कढ़ाई खाते हैं नहीं नहीं कोई भी नहीं खा सकता उत्तर कोई भी नहीं खा सकता ये समझ अपनी इंफॉर्मेशन सही कर अच्छा जी सुना है कि आप दो बेल्ट्स को मिला के एक बेल्ट बनाते हैं हाँ ये सही है अच्छा जी अब नहीं बोलेगा अब तो बोल ले भाई अब तो काफी स्लिम हो गए यार क्या हुआ डाइट डाइट चल रही है नहीं थोड़ा सा कंट्रोल वगैरह किया
रमजान में वैसे कंट्रोल मुश्किल होता था, लेकिन रमजान में बंदा बल्कि गेन कर लेता है, हालांकि आप लाख कंट्रोल करें मगर फिर भी गेन हो जाता है। तो आपने किया कंट्रोल? हाँ थोड़ा बहुत। सही है, गुड है। क्या ये सच है कि स्कूल में आप पोएम के बजाय रैप सॉन्ग गाया करते थे? मैं असेंबली में कीबोर्ड बजाता था और मैं कोई ऑलमोस्ट 5-6 साल अपनी असेंबली में मैं कौमी तराना गाता था। अच्छा, वेरी गुड। यार मैच में फिर आपको जाना चाहिए था। काफी लोगों को जाना चाहिए था। क्या ये सच है कि आपने ड्रामों में खुद ही अपने आप को हीरो ले लेते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैंने थिएटर स्टार्ट किया भी इसलिए था बिकॉज मुझे शौक बहुत था और मेरा एक दोस्त है नासिर खान, तो उससे पहली दफा जिसने फिल्म बनाई है बचाना, ओके, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले थिएटर में लेके आए, फिर उसके बाद मुझे किसी ने मुंह नहीं लगाया, खुद ही फिर मैंने अपना ही करना शुरू कर दिया। ये सही। आजकल जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, सलमान, शाहरुख, आमिर, सब अपनी अपनी फिल्में खुद प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। सही है। क्या ये सच है कि कॉलेज वाली लैला की शादी होने पर आप बहुत रोए थे? मैं FC कॉलेज में पढ़ा था, वहाँ लैला नहीं लाले थे। अच्छा जी, हमने सुना है कि आपको रबर बैंड जमा करने का बहुत शौक है। रबर बैंड? नहीं, रबर बैंड क्यों? आपकी एक सीरीज का नाम था ना। अच्छा, वो ये कंटेंट वालों को मैं पूछूंगा अभी। बड़ा लंबा जोक मारे उन्होंने। क्या ये सच है कि आप अपनी अगली मूवी में कंदील बलोच के साथ काम कर रहे हैं? हाय, व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट। अगर रोल इस तरह का हुआ तो जरूर। कोई मौलाना का रोल है? Alright, अच्छा हमने सुना है कि आप 10 साल से डाइटिंग कर रहे हैं। 10 साल से? हाँ। अबे यार 10 साल से कर रहा था तो अभी मैं फिर हमजा जैसा हो गया। हम लोगों की डाइटिंग तो ऐसी है ना। हमारी डाइट वो होती है कि हाँ मैं आज डाइट कर रहा हूँ। हाँ, अरे चुप कर। हमारी डाइट ये होती है, हम लोग सुबह शुरू करते हैं, रात को खत्म हो जाती है। हाँ, ये ऐसे ही होता है। यार कल से डाइटिंग शुरू है। और जो दबे दो इंसान जब बात कर रहे हो तो कव्वे बीच में नहीं बोलते। सर मेरा कव्वे से सवाल है, क्या आपका रंग चिट्टा है? नहीं बोले। बताओ कव्वे भाई, आपका रंग चिट्टा है? वो होते ना एक कहते पंजाबी में कहावत है, कहाँ चिट्टा है? चिट्टा कहाँ है? ऑलराइट दोस्तों, झूठ बोले कव्वा काटे सेगमेंट यही खत्म होता है। अब हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक और जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बस कर दो बस रिटर्न्स पावर्ड बाय पेप्सी। Hello everybody, welcome to the show jiska naam hai Bus Kar Do Bus Returns powered by Pepsi. All right ji, acha ji Ahmed, Eid ki jo din hota hai ye bada busy to hota hai family mein, to sabse pehle kaise guzarte hain din? Subah uth ke bade bhai ke ghar ya kya? नहीं, नॉर्मली हम लोग तो नमाज के बाद सबसे पहले कब्रिस्तान जाते हैं हम बाबा को मिलके, उसके बाद नाश्ता, फिर घर वालों के लिए एक वो पूरा हिसाब होता है कि जी गेट हमारे खुल जाते हैं, फिर अल्लाह का बहुत करम है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। दोपहर में एक होती है छोटी शिफ्ट। अच्छा। जिसके अंदर 2-3 घंटे सोने को मिलते हैं। और फिर अगले दिन आपने जाना होता है, तो बस ये 3-4 दिन बस इसी में लगे रहे। सबसे ज्यादा बिजी दिन होते हैं। और मैं ये जरूर कहूंगा कि सो के ना गुजारा करें, ईद एक बड़ा अच्छा मतलब मौका होता है खवातीन साल में एक दफा आता है और एक महीना वो लगाती है जोड़े के ऊपर। यस, ईद पे जोड़ा क्या होता है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ईद के दिन होता है टेलर। हाँ भाई, आपने मेरे कपड़े ईद के दिन तो उसको कोई मुंह नहीं लगाता। ईद की वजह से सबसे ज्यादा बिजी होता है और वो फिर रातों को घर जाके कपड़े पिक कर रहा होता है, यहाँ टाइम मिला तो सी लेंगे। सारा आपकी कैसे ईद गुजरती है? अब तो आप रेडीमेड ड्रेस लेती होंगी, खुद आपने फैशन पढ़ा हुआ है, अपने कपड़े खुद ही रात को चश्मा लगा के सी रही होती है कट कट कर। नहीं, एक्चुअली मैं अपने कपड़े खुद डिजाइन करती हूँ। खुद डिजाइन करती हूँ? खुद डिजाइन करती हूँ। वाओ, किसी अच्छे डिजाइनर का नंबर दो आप। नहीं, अच्छे अच्छे अच्छे, गुड गुड। ये तो जोक था। कैसे आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है?
होता है कि सुबह ही सुबह जब बाबा नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम लोग मुझे तैयार नहीं मिलोगे तो ईदी नहीं मिलेगी. बाकी हाँ इतनी सख्ती है, वो तो सुबह 7 बजे जा रहे होते होंगे. सख्ती नहीं, आई मीन ये हमारे घर का माहौल है कि सब सुबह जल्दी उठ जाता है, खानदान के सारे लड़के नमाज पढ़ने साथ जाते हैं. अच्छा गुड. वो नमाज पढ़ के हमारे घर आते हैं, हमारे घर बाबा सबसे बड़े हैं हमारे खानदान के, तो आते हैं फिर सब वहीं पे नाश्ता करते हैं, फिर सब घर चले जाते हैं, फिर हम शाम में मिलते हैं नाश्ते के बाद. ईद का एक ऐसा वाहिद अभी तक त्यौहार रह गया है और अल्लाह करे ऐसे ही इसमें बरकत रहे कि जिसमें सारे फैमिली एक दूसरे से मिले, गले मिले, प्यार बांटें. और अक्सर ईद के दिन ना लड़ाइयां भी हो जाती हैं रिश्तेदारों में आपस में छोटी मोटी बात पे ना. मैंने जिसको कहा था ये मेरे घर आई नहीं है कि आप किस खानदान की बात करें, अगर कश्मीरी है उनकी लड़ाई किसी और चीज पे होगी. किस चीज पे? खाने पे. खाने पे. तो अगर कोई शेख है तो उनकी लड़ाई किसी और चीज, ईदी पे इतने मेहमान आ गए. तो वो डिपेंड करता है कि किस, मतलब हर घर के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने अपने मसले हैं, लेकिन होती जरूर है. हाँ थोड़ी बहुत हो जाती होती है. अच्छा ये बताएं कि दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा है. ये अब पहेलियां शुरू हो गई रिडल्स. हाँ वहाँ जानवर दुनिया का सबसे पुराना जानवर, आई थिंक हुमायूं सही. नहीं इससे थोड़ा कम. अच्छा आप पहले बताएं. जी एक बर्ड होता है एक. नहीं हार मानी, हार मानी. नहीं नहीं जो अभी तक है. पहली है, पहली अभी तक है कि एक्सटिंक्ट हो है, है अभी है. आई थिंक सांप. नहीं मंकी. ज़ेब्रा अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट है यार. कम ऑन. अच्छा दुनिया में सबसे पहले साइकिल कहाँ चलाई गई. इंग्लैंड. नहीं जी फ्रांस. फ्रांस. जमीन पर यार, जमीन पे. अच्छा जी एक शख्स 50 किलो आटा पिसवाने जा रहा है, बताएं किस पे जाएगा, साइकिल पे, गाड़ी में या ट्रक में. 50 किलो आटा पिसवाने जा, 50 किलो आटा पिसवाने जा रहा है. किस पे जाएगा, किस पे जाएगा? अपने पैरों पे जाएगा. अपने पैरों पे जाएगा. हाँ जी हाँ अपने पैरों पे जाएगा. क्यों जाएगा भाई, आटा तो ऑलरेडी पिसा हुआ होता है यार. क्या हो गया यार, कम ऑन. ये इस तरह के सवाल आते हैं. अच्छा ये बहुत जो है ना बहुत टेक्निकल सवाल है और ये मेरे ख्याल से बच्चे जितने भी हैं ये भी गौर से सुने, इससे मिलेगी इंफॉर्मेशन आप लोगों को. ये गोरिल्ला जो होता है आपने देखा है ये किंग कॉन्ग में भी आया था, उसके नथने बड़े क्यों होते हैं? नथने जो होते हैं ना ये नाक वाले, यहाँ ये बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि वो आप पहले जवाब दे दीजिए. वो खुद इतना बड़ा होता है. खुद इतना बड़ा होता है. नहीं नहीं कोई और रीजन क्या बड़ा, ये बहुत जरूरी है. वो चांद रात पे अपना नाक छिदवाने गया. नहीं नहीं क्योंकि उसकी उंगलियां बड़ी होती हैं यार, मतलब अगर वो अजीब सा हो जाएगा माहौल. जी अच्छा आप ये बताएं कि ये जो उंगली है ये चाइनीज क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, छोटी होती है. नहीं चाइनीज भी छोटे होते हैं. इस पे और भी कुछ मजेदार सा जवाब होगा. ये इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि उनके पास ये जो है. क्योंकि 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 ये मेरी उंगली है यार. चाइनीज क्यों इस्तेमाल करेगा. यार अच्छा यूरोप में भाई सन 2010 में भाई जहर है कहीं पर. अभी ला रहे थोड़ी देर. यूरोप में सन 2010 में कितने आदमी पैदा हुए, खवातीन नहीं आदमी. दो सन, सन 2010 में. अच्छा वो तो सन है. हाँ वो तो सन है. नहीं 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 ईयर, ईयर की बात हो रही है. ईयर 2010 में कितने कितने आदमी पैदा हुए, कितने आदमी पैदा हुए जी. मुझे क्या पता, हमें क्या पता. नहीं पता आदमी कहाँ पैदा होते, पैदा तो बच्चा होता है यार. अच्छा ये बताएं कि अच्छा ये तो देखे ये लड़कियों को पता होगा क्योंकि ये आप किचन में ज्यादा रहती है ना. आदमी ये बताएं कि पॉपकॉर्न क्यों उछलते हैं, ये तो आपको पता होगा ना. पॉपकॉर्न क्यों उछलते हैं यार, तवे पे कोई भी बैठेगा वो उछलेगा ही मतलब. अच्छा जी अब एक गेम खेल रहे हैं छुपन छुपाई. अच्छा. ठीक है बहुत इजी गेम है. इसमें सारा आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी. हाँ. और अहमद छुपेंगे. अहमद आपने सोफे से बाहर नहीं जाना और चिट्ठी के बॉक्स से. ठीक है जी और हम 10 तक गिनेंगे आप आंखें बंद होंगे फिर अहमद छुपेंगे और आपने ढूंढना है कि वो कहाँ छुपे हैं. अच्छा ठीक है और ओके ये किस तरह होगा, मैं छुप किस तरह सकता हूँ.
अच्छा मैं मजाक कर रहा था, आपने स्टूडियो आपने दूसरा स्टूडियो बुक करवाया हुआ है, मैं वहां चला जाता हूं। ओके ओके, ये मजाक था, ये हमारा आप देख रहे हैं बोर्ड पीछे लगा हुआ है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैं आपको उसका नाम बताऊंगा और आप लोगों ने उसको सर्कल करना होगा, जो पहले सर्कल करेगा और जो ज्यादा करेगा वो जीतेगा। तो आ जाए, हाँ जी रेडी, रेडी समझिए ना आप लोग। हाँ जी, तो सबसे पहले बताइए कि फॉक्स का है ये चीज। उछल उछल, कम ऑन सारा, जल्दी जल्दी, यस, चश्मे का रखे, चश्मे चश्मे चश्मे, बहुत करीब है ये चश्मे। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आंखों पे नहीं होते, कभी कभी जमीन पे भी पड़े होते हैं। यस चश्मे चश्मे, यस बॉम्ब का है, बॉम्ब, यस, नो स्मोकिंग का बोर्ड है, जबरदस्त। घड़ी घड़ी का है, घड़ी घड़ी, यस यार ये तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, मास्क का है, मास्क 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 मास्क, नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये चीज। फायर एक्सटिंग्विशर का है, कम ऑन, कुछ उधर कुछ इधर, चले चले, बल्ब का है, बल्ब 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 बस। शूज का है, गर्ल्स के शूज, लेडीज जूते, कम ऑन, जूते जूते जूते, उधर आ जाऊंगा। ग्लव्स का है, ग्लव, अच्छा उधर आते हैं। क्लैपर बोर्ड फिल्म में जो होता है, यस, लाइट लाइट नहीं, लाइट 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 नहीं, बल्ब नहीं है ये, मिर्ची लाइट नहीं, फिल्म की जो लाइट होती है, नत्थू, यस। स्विच बोर्ड का है, स्विच बोर्ड, जबरदस्त। पांडा पांडा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। लेडीज बैग, और इसी के साथ तो जी सारा ने 7 किए और अहमद ने 8, तो विनर है। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, बड़ी टफ गेम था और आप लोग जीत गए। दोस्तों हमारे प्लेयर्स इस वक्त थक चुके होंगे, इसलिए इनको छोटा सा ब्रेक देते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कम ऑन। वेलकम बैक एवरीबॉडी, दोस्तों बस कर दो बस रिटर्न्स में, मैं हूं दानिश तवाज, अहमद अली बट यहां पे मौजूद है, सारा खान, कैसी हैं आप? अच्छा जी, रैपिड फायर का, आप कराची में और रैपिड फायर ना हो ये कैसे हो सकता है? पुलिस वालों को बताया कि फायर होने लगा। अच्छा ये वाला थोड़ा इजी होता है। अच्छा। ऐसे कि जैसे हम, मैं एक वर्ड बोलूंगा, इसमें कोई जाती नहीं, एक वर्ड है, आपने जो दिमाग में पहले आए वो फौरन जवाब देना। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। नहीं नहीं, इसमें वो हमने किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, जैसे पहला लफ्ज आ रहा है, तैयार हैं आप? मेरे माइंड में जो पहले आएगा उसका जवाब देना है। आप उनसे स्टार्ट करो, बाद में स्टार्ट करो, ये क्या बात? नहीं नहीं, पहले पहले देखे, इनसे स्टार्ट किया था, अब आपसे, ठीक है, सही है, तैयार हो तुसी? ठीक है जी। बिल्ली, कुत्ता, चूहा भी आ सकता था लेकिन ये चलो। सदमा, सदमा, दुख, दुख, सदमा मतलब किसी चीज का हुआ होगा, मतलब दुख ही होता, दुख हुआ। अच्छा, शौक, बहुत है, म्यूजिक। अच्छा, ये दूसरा वाला शौक था। जैसे कोई भी अपना शौक होता है ना, उसका जवाब देना है। दूसरा तो बहुत है, हाँ बहुत है, म्यूजिक, पैशन, डांस, रोमांस, ओ चप्पल, कोल्हापुरी, लड़की, सारा, धूप, छांव, बेलन, बेलन, हाँ वो जो जिससे रोटियां बनती है, बेलन, पराठे, खाना, पीना, इतना मुश्किल यार, कोई एक्टरों का नाम लिखते ना, हुमायूं, हमजा, सब पता लगता मेरे भाई का, मतलब ये इन आउट, इन आउट, अप डाउन, सही है सर। आप तैयार हैं? कितना मुश्किल था देखा आपने। तीन, फैशन, कपड़े, आंसू,
लड़के शादी हैंडसम लड़का ओह माय गॉड संडे मंडे मंडे अंडा डबल रोटी यार ये जुमला मुकम्मल नहीं करना ये मतलब फूल खुशबू खुशबू ख्वाब रात मीठा मेकअप आर्टिस्ट हमेशा ओह नो इसे स्टूडियो वाला हां ये भी है शेख रशीद अंकल 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 वेरी गुड ये क्या हुआ शेख रशीद का जिक्र करते ही आ गए आदमी यार क्या हुआ भाई छोटा बच्चा समझ के मन को ना टुकराना रे बमचिक 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 खबरदार यार बमचिक किए तो आप न्यूज़ रूम से यहां आए हैं क्या कर रहे हैं भाई जान क्या हो गया कौन है आप मेरे अब इनके जैसे दिखते थे तुम्हारे इनके बिल्कुल कम बोलते थे अब बैठे थे फिर रुकते नहीं थे तुम्हारी शक्ल देख कर नहीं लग रहा है तुम्हारे पूछ के जैसे आपके कुछ घूरे थे जी मेरे अबू ऐसे दिखते थे इनके अबू 200 साल पहले जो हुकूमत करके गए ना उनमें से एक थे अंकल आप मुझे ना ईदी दे दें मेरे को ईदी दे दें भाई पहले अपना ये वाइब्रेटर तो रोक नहीं मैं नहीं रखता छोटा बच्चा हूँ मैं तो ऐसे करूंगा आप अपनी नैपी चेक करवा के आए जो इतना उछल रहे हैं आप मजा आए मजा आपको देखिए मजा आ रहा है मुझे इनको तो मजा आ रहा है लेकिन कैमरा मैन को जरूर चक्कर आ जाएंगे तुम ऐसे अच्छा क्या नाम है आपका बेटे मेरा बबलू नाम है बबलू इतनी पक्की शक्ल का बबलू हमारी इंडस्ट्री में सेट होता है कि हमारे बच्चों का फिल्म में या ड्रामे में कोई भी बच्चे का नाम जब बबलू बंटू बंटू गुड्डा और क्या होता है पप्पू पप्पू अंकल आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं अपनी मत दे देना तुम्हें नहीं नहीं लेके जाऊंगा घर लेके जाऊंगा अच्छा आप मामा के पास जाएं नहीं ये तो बहुत प्यारी है ये प्यारी है यहाँ तो बड़ा हो गया अचानक ये अपने आते ना तीन साल करूंगा आते तीन सवाल हाँ जवाब दे उनका बैठने में भी हिलोगे तो ये भी हिलना शुरू हो जाएंगी भाई एक सवाल ये पहले ट्रेन से उतरो फिर बात करो आई एल एल यू इसका जवाब दे दे मुझे I L U. अरे मैंने I लानत यू हो गया भाई हो गया भाई जीत गया भाई हो गया कितना खुश हुआ लानत पे यार मैं दूसरा सवाल क्या है दूसरा भी आपने पूछा क्या नाश्ते में लानत खाते हो क्या इतना खुश क्यों हो रहे हो दूसरा सवाल क्या है आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं थैंक यू आपने मुझे कमर्शियल में ले लें अपने साथ कमर्शियल में पहले बबलू को नींद सही नहीं आती थी फिर हमने इसका पैंपर नया वाला लिया था आगे नहीं ऐसा वाला ले ले आप कमीशन ले ले मैं आप बहुत अच्छी लगती है अरे हाँ भाई नाइस टू मीट यू नाइस टू मीट सवाल तो नहीं है सवाल नहीं है यार नाइस सवाल क्या ये मेरा जवाब है अच्छा मेरी मर्जी है मैं तो बच्चा हूँ पहली बात तो ये कि ये सवाल पैदा कहाँ हुआ ये टेंशन हो गई भाई आप कहाँ से आए हो आप कहाँ से आए आपकी अम्मी आ गया आप लोगों को देख के बहुत अच्छी लगती है आप मैं कहता हूँ ये किसी यहाँ पे किसी का बच्चा ये अच्छा आपने टोपी पहनी हुई है कि दाढ़ निकलवा के आए क्या किया बांधा हुआ आपने छोटा बच्चा हूँ ना मैं सर्दी हो रही है मुझे छोटा बच्चा जो पुठी शेव मार के आया नहीं शेवरी से गन्ने की मशीन में मुंह डाल के बाल काटे चले अब आपको ना लंच टाइम हो गया बेटा छोटे बच्चा आ जाओ नहीं मैं बैठ के फीडर पियोगे ना तुम आ जाओ मेरे बच्चा आ जाओ गोते आ रहे मुझे गोते आ रहे पीले हो गया आ जा डकार दिला दो नाड़ा गिर गया क्या हो गया ये आ जा डकार दिला दो ओके भाई ओके आप मुझे अच्छे लगते हैं बहुत अच्छा थैंक यू अबे कोई ये कहां से सीखा तुमने बदतमीज बेटे आप ये जो हरकतें कर रहे हैं ना इस पे आजकल बड़ी मारे पड़ी हैं मैं अब्बू को दे रहा हूँ ना अब्बू को दे रहा हूँ इसने अपनी तरफ से मान लिया ये बेटा अम्मी से पूछो
ऐसे नहीं करते, किसी को बेबू नहीं बना लेते, पूछते पहले बड़े से। नहीं मैं अम्मी को दिखा दूंगा, देख रही है बिल्कुल ऐसे। हां मेरा अबू ऐसे थे बिल्कुल। इतना सख्त क्यों बाबा, आगे क्यों नहीं आ रहा तू? चलो अब तो घोड़े से उतर जाओ, कार नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा। आंटी आप अच्छी लगती हैं बहुत। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से दोस्तों खुश हैं। थैंक यू। मैं कहते हैं दोस्तों ये बच्चा बहुत शदीद कंबल हो गया हमारे ऊपर, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तो ब्रेक में इसको जरा भगाने की कोशिश करते हैं। मैं ले लूं ब्रेक, लो ब्रेक बस कर दो बस, रिटर्न्स में मिलते हैं ब्रेक के बाद, पावर बाय पेप्सी, कम ऑन। ईद मुबारक एवरीबॉडी, बस कर दो बस रिटर्न्स में मैं हूं दानिश नवाज आप लोगों के साथ, पावर्ड बाय पेप्सी। बस कर दो बस कर दो बस। चले अभी एक गेम खेलते हैं हम, इस गेम का नाम है मुनासिब कर लो। मुनासिब करो, मुनासिब कर लो। बाजार में कराती हैं आप रेट वेट भाव ताव कराती हैं? हाँ बहुत ज्यादा या ठीक है आप तो? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मुझसे बहस नहीं की जाती कि कम करें, लेकिन करवाती जरूर है। अच्छा अक्सर लोगों का ये होता है ना कि यार वो एक्टर इतने बड़े यार वो आके ये पैसे कम करा रहे थे यार, वो मैं लोगों से सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है यार कि वो एक्टर इंसान नहीं होते भाई, हमें भी शौक है पैसे कम कराने का। ये समझते हैं कि आए अच्छा मतलब वो एक आई थी ना कैंपेन के मैं एक अदाकार हूँ, मैंने भी बिल्स देने होते, मैं मुफ्त काम नहीं करता तो प्लीज मेरे शोबे को सीरियसली लो। ये समझते हैं कि जी अच्छा आप अदाकार हैं आपको क्या जरूरत है, और एक्चुअली वो अदाकारों को देख के और ज्यादा रेट बोल देते हैं, वो अगर ये 2000 का तो कुछ 4000 का, तो फिर आपको तो और कम कराना पड़ता है, फाइट ज्यादा हो जाती है। सही है सही। अच्छा फिल्म मूवी करने के बाद कोई ऐसे कोई फर्क आया जिंदगी में, जैसे मूवी के पड़ोसी मुल्क में जब एक्टर जब स्टार बनता है तो रातों रात उसकी कहानी चेंज, हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है? मैं हमेशा कहता हूँ कि बीवी और औलाद एक नसीब अपना लेके आते हैं जी, और मुझे जो वही काम हम लोग 15 साल से कर रहे हैं मगर जब से खैर से औलाद हुई है तो माशाल्लाह अपना नसीब लेके आई है, तो अल्लाह ने एकदम हालांकि वहीं बैठे हुए हैं उन्हीं लोगों में बैठे हुए हैं मगर एकदम अब काम ज्यादा आ रहा है, कहानी में ट्विस्ट। हाँ कहानी में ट्विस्ट, मगर ये फिल्म के बाद लोगों ने अप्रिशिएट बहुत किया था, कुछ फिल्में ऑफर हुई थी उसके बाद जो मुझे नहीं समझ आई तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। आपकी स्ट्रगल भी इतनी है माशाल्लाह, इतना ज़्यादा काम आपने किया है तो उसका सिला तो मिल रहा है, बच्चे तो कई लोगों के 10-10 भी हैं लेकिन वो नहीं। आई थिंक इसमें वही बात आती है कि जो भी आप फील्ड में हो अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो फोकस एक दिन आएगा, आपका दिन होगा वो। वेरी नाइस, इसलिए भाई कहते हैं अपनी जॉब ऐसे जल्दी जल्दी स्विच मत किया करो और फोकस जिंदगी का एम बनाए, फोकस करें लाइफ को। सर इधर आ जाएं आप। क्यों? अब हम एक गेम खेलने लगे। अच्छा उसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा। मैं आ जाता हूं। ठीक है। हाँ जी दोस्तों अब हम एक गेम खेलने लगे हैं जो आप लोगों का बड़ा पसंदीदा है, हमें बड़ी चिट्ठियां मिलती हैं इसके बारे में। इस गेम का नाम है मुनासिब कर लो। अच्छा जी इसमें मैं आपसे एक सवाल करूंगा सर दोनों से, और जो भी आपको परसेंटेज उसमें से बेहतर लगे आप दोनों ने उसका जवाब देना है, ठीक है? जो जीतेगा उसको बादशाह सलामत अशरफियां देंगे। कम ऑन, ये चॉकलेट, ये अशरफियां है भाई असली वाली अशरफियां, ये चॉकलेट। अरे सोने की कीमत कम हो गई ना, ये चॉकलेट 4850 कुछ समथिंग। अच्छा जी कितने फीसद बॉसेस फ्लर्टी होते हैं? 30 से 80 के दरमियान जवाब दीजिए। 70% आपने कहा और 60 आप। आप जीत गए सारा, आइए
लेडीज जीत गई लेडीज शर्फियां दी गई हैं और उसके पीछे अरबी म्यूजिक लगा है यहाँ एक वो खैमा भी होना चाहिए बेली डांसर पीछे हो रही है पीछे बेली डांसर्स दो रखी होती है अच्छा जी कितने फीसद लोग पिज्जा रोज खाने के शौकीन होते हैं कितने फीसद लोग पिज्जा रोज खाने के शौकीन हैं एक मिनट 40 से 80 के दरमियान जवाब 55 60 अलग अलग हो जाए अगर 55 से नीचे हुआ तो मैं विनर हूँ अगर ऊपर हुआ तो हाँ जी भाई सोचिए जी दिखाइए जी काम ऑन फिर सारा जीत गई शौकीन तो होते रोज खा नहीं पाते ये जो अशरफी है ये मैं आपको दिखाऊं ये देखिए ये है खुल रही है ये अशरफी खुल जाती है मेल्ट हो जाती है और ये वाहिद अशरफी है जिसमें कैलोरीज हैं गोल्ड प्योर है ना इसलिए पिघल जाते हैं पिघल जी अच्छा जी थर्ड सवाल कितने फीसद खवातीन दूसरों की शादी में अपनी ही बारात का जोड़ा पहन के जाती है 30 से 80 के दरमियान जवाब 30 नहीं ज़्यादा कोई भी नहीं कोई कौन पागल होगी जो कि अपनी शादी का जोड़ा पहन के जाएगी बहुत जाती हैं जिनकी नई नई शादी होती है वो जाते हैं 50% बहुत लोग जाते हैं 50 से 80 के दरमियान यह है 30 से 80 के दरमियान 35 आप 50 आई जी दिखाएं कौन जीत रहा है कौन नया जोड़ा पहनेगी मतलब वो पुराना क्यों पहनेगी सारा करीब तरीन है ना 50 नहीं नहीं अहमद ने 35 कहे थे और आपने 35 कहे थे आपने 50 कहा था 35 जी सारा आप जीत गए कौन है पीछे बैठा हुआ यार यस नहीं नहीं देख रहे हैं जी सारा को कितना अंदाजा है इतनी अशरफियां होगी अपना चैनल खोल दो सोने का चैनल खोलने बाद सबको पानी बराबर देना प्लीज अच्छा कितने फीसद लोग एसी कुंडे पे चलाते हैं 20 से 70 के दरमियान जवाब दे 70 अब मैं ज्यादा दूंगा ना 70 60 60 20 से 70 के दरमियान जवाब चाहिए 70 60 लॉजिक अप्लाई नहीं करती लॉक मुझे उस बंदे की समझ आ गई है दिखाइए जी कौन सही है सेकंड लास्ट जवाब में कम ऑन कम ऑन कम ऑन सवाल होना चाहिए कितने कंप्यूटर ठरकी होते हैं एक बार फिर जीत आइए कब तारिक रोड से कंप्यूटर लेके आया सारा
अरे टोटल आप जीत गए, लास्ट सवाल है भाई, एक तो जीत जा। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ए आपके पीछे जो भी ये कंप्यूटर बैठा हुआ है इंतहाई ठरकी है, वो जानबूझ के जो भी मैं सवाल दे रहा हूँ उसका गलत जवाब दे रहा है वो। लास्ट सवाल है यार, देखिए अब ये अब देखिए क्या होता है, कितने फीसद लड़कियां वैलेंटाइन डे पर लाल कपड़े पहनती हैं? 30 से 70 के दरमियान। 70 65 लॉक जी, आप बताएं। 70 थोड़ा थोड़ा सा करें। मैं जो सारे पात्रों को जानता हूँ रेड कुछ ना कुछ पहन रही हूँ। 70 कुछ ना 65 चले जी, बिल्कुल आखिरी सवाल। 66 हुआ तो मैं जीत रहा हूँ। हाँ 66 हुआ था। नहीं अच्छा चले भाई। कम ऑन कम ऑन। वेल डन सारा, कमाल कर दिए। तो आपका लग इतना अच्छा चल रहा है कि ड्रामे भी हिट हो रहे हैं और आज के सारे सवाल के जवाब भी होते हैं। ये भाई अगले दो ड्रामों का एडवांस आ गया। सारी अचरफियां। वाह, आज के भाई शो में पहली लड़की जिसने पूरे कंप्लीट सवालों के सही जवाब देके तकरीबन जवाब देके यही जीती है। कैसे क्या फीलिंग्स हैं भाई? मैं आपको कहा ये कंप्यूटर जो भी आपका है इसको पहले चेक करवाएं। सही है। और वरना उसके ऊपर एक कमेटी बैठेगी, कमेटी एक NROs बनेंगे इसके ऊपर। हम लोग इसके ऊपर लंबी लंबी डिबेट होनी चाहिए और ये ऑफशोर अकाउंट्स में जाएंगे। ये अशरफियां सारी ऑफशोर से आई हैं। बेहतरीन अहमद। अच्छा सारा, अब इतने सारे अशरफियां आपके पास है तो अहमद से गाना तो बनता है। डेफिनेटली। अच्छा क्यों? अशरफियां वो जीती है गाना मेरे से। आई थिंक सबसे पहले आप गाना इनसे सुनेंगे। हां चलें, क्योंकि आप विनर हैं तो आप कुछ गुनगुनाएं। नहीं आप तालियां। आपको एक रोल दिया गया एक गुलुकारा का, अब आपने अपने आप को मोल्ड करना है। जी आए जी माइक दें। गाती तो होगी आप वैसे, मैं आपसे बातें करते हैं। अगर आपने गाना ना गाया ये अशरफियां वापस रख तो नहीं है। मैं गाती हूँ, मैंने सीखा है, लेकिन मैं सिर्फ अंग्रेजी ही बजा ले। हाँ हाँ तो अंग्रेजी ले, आपका ख्याल है वो लोग फ्रांस से आया है। एक हमारे पास जमैका से है, एक हमारे पास युगांडा से है, एक फ्रांस से है, एक लियारी से है। जी भैया पकड़ लेना फिर खामा। चल जी। हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स को नहीं समझ आएगी क्योंकि ये अंग्रेजी था। नहीं नहीं आजकल पाकिस्तानी व्यूअर फुल आजकल लगा हुआ है भाई गाने। कईयों को लग रहा होगा कि बहुत तकलीफ में है ये।
थैंक यू वेरी मच अहमद, आपने अपने कीमती वक्त में से ईद के दिन खास तौर पे हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड बहुत मजा आया। ये चार दिन पुराने हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल फ्रेश है, ताजे। अच्छा तो फिर केक खा ना। हाँ केक खा सकते हैं भैया, केंची वाला है, आई मीन छुरी लेके आए, खा वहाँ। थैंक यू सारा, बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप बहुत प्यारी लग रही थी और लग रही है। थैंक यू, आप हमारे शो में आए, मजा आया बहुत, कम बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। नहीं शुक्रिया की बात है यार, आप आया करें, आती रहा करें। यूएसए जानना चाह रहे हैं कम ऑन क्या होता है, कम ऑन मतलब कम ऑन एक्साइटमेंट है ये। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी हमारा बस ये छुरी आने वाला है और हम केक काटने वाले हैं मेरा भाई, बल्कि छुरी आ गया, छुरी आ गया, छुरी आ गया, छुरी आ गया, छुरी आती है या आता है? आता है, आता है, आइए। Happy birthday, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Hamari nahi birthday, acha nahi uski birthday nahi. Happy Eid Mubarak to you. Happy Eid Mubarak.
ऑलराइट दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ईद खुशियों के साथ मनाइएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। बस कर दो बस रिटर्न्स पावर बाय पेप्सी में, ईद के बाद, छोटी ईद के बाद, बड़ी ईद।